क्या आप जानते हैं हमारे देश में अधिकतर लोग रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो इसे बिना देरी किए इसका इलाज करवाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन ब्रेन एंड स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव अमले। तो आइए जानते हैं इनसे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं एवं इसके उपचार संबंधित सभी जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव अमले, मैं न्यूरोसर्जन हूं, ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट। गौरव सर, अगर बात अगर की जाए स्पाइन के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है रीढ़ की हड्डी, क्या कहेंगे कि रीढ़ की जो हड्डी है इसमें कौन कौन सी तरह की व्याधियाँ हो सकती है? जी, आज के ज़माने में रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुका है सर। दो स्पेसिफिकली दो टाइप के हम लोग रीढ़ की हड्डी के पेशेंट देखते हैं, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और एक लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मतलब गर्दन की रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस मतलब कमर की रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें आजकल देखने को मिल रही है। तो ये जो तकलीफें जो आपने बताया, ये किस तरह से मीन्स इसके सिम्टम्स है, इसके लक्षण है, क्या होते हैं, किस तरह से जी? ये आज के टाइम में ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल लोगों का, जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, जो लोग अपने एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना नहीं पाते हैं, उसके कारण हम लोग देख रहे हैं आजकल कि ये जो बुढ़ापे में आने वाली जो स्पॉन्डिलाइसिस की शिकायतें हैं, ये बहुत सारी यंग एजेस में आने लग गई है। यंग एजेस में लाइक 30-40s के भी इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लंबर स्पॉन्डिलाइसिस वाले पेशेंट्स आते हैं। उसमें होता ये है कि रीढ़ की हड्डियाँ बहुत कड़क हो जाती है, स्पाइन सीधी हो जाती है, उसके कारण मस्क्यूलर स्पाइजम होना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हड्डियों के बीच की गैप कम हो जाना, दो हड्डियों के बीच की गद्दी सरक जाना, उसके कारण हाथों पैरों में झुनझुनी आना, हाथों की ताकत जाना, पैरों की ताकत जाना, ये सारी चीज़ें हम लोग आज में युवा पीढ़ी में भी हम लोग काफ़ी हद तक देख रहे हैं। ये तो आपने लक्षण जो बताया, डायग्नोस करने की अगर बात करें तो किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमें रीढ़ की हड्डी की कोई व्याधि हो रही है? अगर डायग्नोसिस की बात है तो सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस हम डॉक्टर लोग करते हैं। जैसे अगर गर्दन की रीढ़ की हड्डी है तो उसमें सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम रहता है कि गर्दन में दर्द होना, जो कि आपके कंधों तक जाता है, हाथों में झुनझुनी आना, और अगर कमर की तकलीफ है तो कमर में दर्द होना, शियाटिका जैसे पैरों की तरफ जलन होना, ये कमर की रीढ़ की हड्डी। और अगर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो MRI सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन रहता है बैक स्पॉन्डिलाइसिस के हिसाब से। ये हो गया डायग्नोसिस का तरीका। अब अगर उपचार की अगर बात करें तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में आए दिन अनगिनत आविष्कार होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो अभी अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी के उपचार में कौन कौन सी प्रक्रिया उन्नत हुई है? सबसे पहले तो एक बात का डर लोगों को में से निकालना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम आ गया तो अभी कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत गलत संकल्पना है लोगों के बीच में। आजकल रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ट्रीट होता है। सबसे पहले तो दवाइयाँ, इतनी अच्छी दवाइयाँ हुई है जो कोई आपके लीवर और किडनी को डैमेज नहीं करती है, अच्छे से ट्रीटमेंट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद में कुछ लोकल इंजेक्शंस भी आए हुए हैं जो हम लोग रीढ़ की हड्डी के गैप में लगाते हैं, जिससे उनको दर्द से राहत मिल जाती है। और सबसे आखिरी में सर्जरीज भी, ऑपरेशन भी होते हैं रीढ़ की हड्डी के, जो कि एकदम सेफ रहते हैं। लोग दूसरे दिन से ही चलना फिरना चालू कर देते हैं, 100% पेन चला जाता है पेशेंट का, और डेली डे टू डे लाइफ में बिना किसी चेंज के वो अपनी तरफ से अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। हम ये समाज में रहते हैं, वहाँ निगलिजेंस का एक बहुत बड़ा वातावरण है, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ भी होता है, कोई भी तकलीफ अगर होती है तो हो जाएगा, देख लेंगे, बाद में चले जाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ किस तक के हानिकारक हो सकती है? जी बिल्कुल, ये बहुत सही चीज़ कही है आपने। इस चीज़ को नकारात्मक तरीके से लेने वाले बहुत सारे अनगिनत लोग हम लोग हर रोज देखते हैं कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ लेप मलम पट्टी लगा के कम कर देंगे, जब बढ़ेगा तब। लेकिन जब बढ़ जाता है तब इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जब चलने फिरने की ताकत पूरी चली जाती है, तब आके हमें पूछते हैं कि अभी हम लोग क्या करें। तब हमें भी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको समझाना कि अभी ये ट्रीटमेंट जो छोटे इसमें हो सकता था, अभी वही बड़ा
खर्चे में या बड़े इससे करना पड़ेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको सिम्टम आए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके मिले, उनको आपको डायग्नोस करने दें और उन पर भरोसा रख के ट्रीटमेंट उसकी चालू कर दें। बैक केयर अवेयरनेस वीक की इस सत्र में हम आपसे आज बातचीत कर रहे थे। देश दुनिया के जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या एक संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आजकल युवा पीढ़ी में जो ये प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं ये रोकने के लिए सबसे पहले तो पूरी 24 घंटे में से थोड़ा आधा घंटा खुद के सेहत के लिए निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आए हुए हैं जो आप देख सकते हो, सोशल मीडिया पे देख सकते हो, जिम लगा सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हो, हम जैसे डॉक्टरों के पास आ सकते हो। अगर मान लो इसके बावजूद भी आपको तकलीफ होती है तो आप स्पेशलिस्ट के तरफ, न्यूरोसर्जन जैसे, ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसे लोगों के पास रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कीजिए। हमारे पास पूरा उसका इलाज रहता है, ये नहीं कि आप राह देखें और आपका डैमेज बढ़ जाए उसके बाद आप आए। इसका पूरा अच्छा इलाज होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं रहती है, सब सेफ रहता है। मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी सिम्टम्स आए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करें। अगर हम आमले क्लिनिक की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर उपलब्ध हैं? सर यहाँ पे हम लोग ब्रेन और स्पाइन से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दवाई के हिसाब से भी ट्रीटमेंट किया जाता है और सारे क्रिटिकल केयर जो ब्रेन से संबंधित है और स्पाइन से संबंधित हो उसका इलाज होता है सर। अगर कोई व्यक्ति है जिसको आपसे संपर्क करना है या आपसे परामर्श लेना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? जी, मेरा क्लिनिक ये गिट्टी खदान चौक में HP पेट्रोल पंप के अपोजिट कृष्णगंगा अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ पे मैं हर रोज शाम को मंडे टू सैटरडे 6:30 से 9 बजे तक OPD में देखता हूँ और सुबह मैं कुणाल हॉस्पिटल में या निरामय हॉस्पिटल में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।